हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम चलेंगे इंडिया से मालदीव्स की ओर और देखेंगे अगर आप इंडिया से मालदीव्स जाते हैं तो आपका क्या एक्सपेंसेस होता है। तो इसमें हम देखेंगे फ्लाइट टिकट, वीज़ा, होटल एक्सपेंसेस, फूड एक्सपेंसेस और वहाँ की जो भी अदर एक्टिविटीज़ और क्या क्या खर्चा वहाँ आपको आ सकता है। तो फ्रेंड्स वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और इसमें जो भी खर्चा मैं बताऊँगा वो 2 पर्सन के हिसाब से बताऊँगा, तो आप उसको सिंपली डिवाइड बाई 2 करके पर पर्सन की कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइस की बात फ्लाइट से। फ्लाइट टिकट जो आपको पड़ने वाला है मालदीव्स का वो पर पर्सन 18,000 से 20,000 रुपये का पड़ेगा। हम 2 पर्सन गए थे तो हमारे को टोटल 36,000 से 37,000 रुपये का खर्चा आया है। मेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड होते ही मालदीव्स के आपको सबसे पहले वहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा, जो कि काफ़ी इजीली और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिंपली जस्ट एक फॉर्म भरना है और कुछ अपने आईडी प्रूफ दिखानी है, तो वीज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। उसके बाद दोस्तों बता दूँ मालदीव्स जो है एक वो पूरा एक टापू टाइप बना हुआ, वहाँ पे छोटे 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 टापू है। वहाँ पे आपको कहीं भी जाने के लिए या तो सी फेरी लेनी पड़ेगी या फिर स्पीड बोट लेनी पड़ेगी। स्पीड बोट पर्सनली होती है 7 to 10 पर्सन के लिए, जो कि काफ़ी कॉस्टली होती है, और सी फेरी जो तो काफी ज्यादा सस्ती होती। तो एयरपोर्ट से उतरते ही आपको जाने अपनी होटल में, होटल माफूशी में होटल ले सकते हैं, जिसकी कॉस्टिंग 2 पर्सन के हिसाब से पर नाइट 4,000 to 5,000 रुपीज पड़ेगी, जो कि एक काफी अच्छी होटल होगी। और इसमें ऐसा नहीं कि होटल काफी चीप और ऐसी थर्ड क्लास होगी, अच्छी होटल होगी, 3 to 5 star होटल होगी। उसकी रेट बता रहा हूं मैं आपको 4,000 रुपीज अप्रोक्स। तो आप वहां पर अगर 4 नाइट के हिसाब से जाते हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको 16,000 रुपीज 2 पर्सन का आपको होटल एक्सपेंस हो सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं अगर आप एयरपोर्ट से होटल या माफूशी या फिर अदर किसी भी आइलैंड पे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको एक ही वहाँ पे ट्रैवल मोड रहेगा, वो होगा सी फेरी या स्पीड बोट। अगर आप पब्लिक सी फेरी से जाते हैं आपको $2 to $3 रुपए पर पर्सन लगेगा। अगर आप स्पीड बोट से जाते हैं तो $20 पर पर्सन लगेगा, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अंतर है। तो वहाँ पे ये सब अपने 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 टाइम के हिसाब से चलता है, सब कुछ शेड्यूल है कि इतनी बजे बोट निकलेगी, इतनी बजे स्पीड बोट है, इतनी बजे पब्लिक सी फेरी है। तो उसके हिसाब से आप अपना टाइम पूरा कैलकुलेट करके चलिए और जाने से पहले अपने किसी होटल से या वहाँ पे एक बार आप पता कर लीजिए कि आप कितनी बजे एयरपोर्ट पे लैंड होने वाले हैं, कितनी बजे आपको होटल पे जाने के लिए स्पीड बोट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो ये आप प्लान कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मालदीव पहुँचने के बाद मालदीव जाना जाता है अपने नेचुरल एनवायरमेंट के बारे में, सीज ओशियंस के बारे में, जो कि साफ सुथरा एक एनवायरमेंट है। उसके अलावा ऐसा कुछ विजिट करने का वहाँ है नहीं कि मोन्यूमेंट, म्यूजियम्स वगैरह कुछ हो। मालदीव लोग जाते हैं इंजॉय करने, वेकेशंस मनाने, तो आप भी जा सकते हैं। और बता दूं आपको वहां पे वाटर एक्टिविटीज़ जो आप जो वहाँ होती है उन सब की कॉस्टिंग मैं आपको बता देता हूँ, वो सारी आपको पड़ेगी 5 to 7,000 के अंदर आपको हो जाएगी। ये ऑलमोस्ट 5 to 10 एक्टिविटीज़ जिसके अंदर आपकी राइडिंग हो गई, वाटर सर्फिंग हो गई, पैराग्लाइडिंग हो गई, ये सब इसमें छोटा मोटा ये सब जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो इसमें हो जाएगी 7,000 में। उसके बाद आप नेक्स्ट डे प्लान कर सकते हैं अपना किसी आइलैंड विजिट के लिए या किसी रिसोर्ट विजिट के लिए। मालदीव में फ्रेंड्स आपको पर डे रिसोर्ट विजिट करने को मिलता है, जहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे रिसोर्ट्स बने हुए हैं, जिनको आप 9 to 5 का जो टाइमिंग है सुबह से लेकर शाम तक आप विजिट कर सकते हैं, जिनकी कॉस्टिंग कुछ $100 to $200 होती है। यानी कि सीधी सी बात बताऊँ तो 7,000 से 15,000 रुपये पर डे पर पर्सन के हिसाब से इनका टिकट होता है, जिसमें आप सुबह 9 बजे जाएंगे, आपका ब्रेकफास्ट, लंच और इवनिंग स्नैक्स, अल्कोहल बिवरेजेस, ऑल सब कुछ सुबह से लेकर शाम तक फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आपका पर पर्सन 7 to 8,000 रुपीज़ आप अपने बजट के अकॉर्डिंग अपना विला या रिसोर्ट चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप मालदीव्स जाते हैं तो आपको विजिट करने के लिए आप एक दिन सी एक्टिविटीज़, वाटर एक्टिविटीज़ में लगा सकते हैं, एक दिन आप रिसोर्ट विजिट्स वगैरह में लगा सकते हैं, एक दिन आप अपना इन्जॉय करें आप वहाँ का लोकल्स। मालदीव्स में फूड एक्सपेंसेस की बात कर लेता हूँ तो आप पर डे 1,000 रुपीज़ मान के चलिए, अगर जो आप पैकेज लेते हैं किसी भी रिसोर्ट विजिट का, आइलैंड विजिट का या फिर वाटर स्पोर्ट्स वगैरह एक्टिविटीज़ का, तो वो उसमें फूड इंक्लूड होता है। लेकिन आप एक्स्ट्रा मान के चलिए अगर जो आप नहीं लेते तो 1,000 रुपीज़ हो जाएगा इसमें। उसके बाद दोस्तों एक लास्ट में आपको बता देता हूँ ओवरऑल टूर पैकेज आपका कितने में बन जाएगा। अगर आप फ्लाइट टिकट लेते हैं पर पर्सन का 18,000 रुपये, उसके बाद वीज़ा ऑन अराइवल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन का होटल टू आइलैंड, आइलैंड टू एयरपोर्ट, एयरपोर्ट टू जितनी भी जगह आप विजिट करते हैं, ओवरऑल 5,000 रुपये आप इसको मान के चल सकते हैं, जो कि डिपेंड कर सकता है। अगर आप पब्लिक फेरी से जाएंगे तो ये बहुत नॉमिनल 1-2-3 हज़ार रुपये में हो जाएगा, लेकिन अगर आप स्पीड बोट में जाएंगे तो 6-7 हज़ार रुपये हो जाएंगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है। उसके बाद होटल एक्सपेंस की बात करेंगे, 4 नाइट के हिसाब से पर पर्सन की मैं बात करूंगा 8,000 रुपीज़,
43,000 रुपये ओवरऑल कॉस्टिंग आएगी आपकी मालदीव्स टूर की, जिसमें आना जाना, फूड, होटल, वीज़ा, होटल एक्सपेंसेस, ट्रैवल, टूर, इसमें सारे पैकेजेस आपके वहाँ पे एक्टिविटीज़ वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन को सब इंक्लूड है, तो 40,000 to 45,000 पे मालदीव्स का आपका 3-star to 5-star A1 लग्जरी प्रीमियम टूर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि नेक्स्ट हमारे अपडेट आपको मिलते रहे। और कमेंट करें आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन।